दोस्तों, आज इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं पनामा पेपर लीक में नाम होने और टैक्स न चुकाने के आरोपी, साथ ही मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पूर्व मिस वर्ल्ड वो एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। आज भले ही वो बच्चन परिवार की बहू हो, लेकिन इनके ऐसे राज हैं, सच्चाइयां हैं जिसके बारे में शायद आप ना जानते हो। तो आज हम इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ऐश्वर्या राय की जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 1 नवंबर 1973 को मैंगलुरु कर्नाटक भारत में। ऐश्वर्या राय के पिता हालांकि इनके घोटालों की खबरें सुनने के लिए इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जब वो थे तो वो आर्मी में एज ए बायोलॉजिस्ट के पद पर काम किया करते थे। उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। ऐश्वर्या का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है आदित्य राय, जो कि मर्चेंट नेवी में एक इंजीनियर है। जब ऐश्वर्या राय 11वीं क्लास की पढ़ाई कर रही थी, तभी उनका पूरा परिवार मुंबई आकर बस गया। ऐश्वर्या पढ़ने में काफी अच्छी थी और पढ़ाई के दौरान तक काफी शांत स्वभाव की भी थी। उनकी 12वीं क्लास में बताया जाता है कि 90% मार्क्स आए थे, जो शायद ही किसी अन्य बॉलीवुड अभिनेत्री ने आज तक पाए हों। ऐश्वर्या का सबसे पसंदीदा विषय जियोलॉजी था। शुरुआत में ऐश्वर्या मेडिकल लाइन में मेडिसिन पर काम करना चाहती थी, लेकिन अचानक से ऐश्वर्या ने अपना करियर का प्लान बदल डाला और वो आर्किटेक्ट बनने की तैयारी करने लगी। उन्होंने आर्किटेक्चर कॉलेज में दाखिल भी ले लिया था, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उनकी रुचि मॉडलिंग में होने लगी। इसके बाद ऐश्वर्या ने कॉलेज ही छोड़ दिया। उसके बाद ऐश्वर्या ने मॉडलिंग में जाने के लिए रास्ते बनाने शुरू कर दिए। ऐश्वर्या ने साल 1991 में इंटरनेशनल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीता था, जिसके बाद ऐश्वर्या आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ पेप्सी की एक एड में नजर आई थी। साल 1994 में ऐश्वर्या ने मिस इंडिया प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया, जहां वो दूसरे स्थान पर जीती थी, क्योंकि पहले नंबर पर सुष्मिता सेन थी। इसके बाद ऐश्वर्या सुष्मिता सेन से काफी ज्यादा जलन महसूस करने लगी। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो भारत में मिस इंडिया में दूसरे नंबर पर आईं। फिर इसी के बाद ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड की तैयारी में जुट गईं, जो कि साल 1994 में ही आयोजित हुआ। आखिर ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीत ही लिया। इसके बाद भी उन्हें फिल्मों में लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, जिसके कारण खिताब मिलने से 2 से 3 सालों तक ऐश्वर्या मॉडलिंग में ही अपनी रोजी रोटी कमाती रहीं। और जब ऐश्वर्या पर डायरेक्टर्स की नजर पड़ी, तब जाकर उन्हें फिल्मों में पहला ब्रेक मिला। साल 1997 में, जो कि तेलुगु फिल्म इरुवर थी, जिसे मणिरत्नम में निर्देशित किया। इसके बाद बॉलीवुड में भी एक फिल्म इसी साल में मिल गई, जो थी और प्यार हो गया, जिसमें लीड रोल में थे बॉबी देओल और ऐश्वर्या राय। पहली हिंदी फिल्म ऐश्वर्या राय की फ्लॉप साबित हुई, लेकिन ऐश्वर्या की इन्हीं फ्लॉप फिल्मों से फिल्में मिलना शुरू हो गई। इसके बाद ऐश्वर्या ने तमिल और हिंदी में कई सारी फिल्में एक के बाद एक की, लेकिन कोई भी फिल्म खास हिट या फिर सुपर हिट नहीं हुई। लेकिन 1998 में ऐश्वर्या की किस्मत मानो खुल सी गई। उनकी इतनी सारी फ्लॉप फिल्मों के बाद एक और पहली फिल्म हिट हुई और वो थी जींस। और बॉलीवुड में सफलता मिली साल 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम से, जो कि अजय देवगन और सलमान खान के साथ थी। हम दिल दे चुके सनम फिल्म ऐश्वर्या के जीवन में कई मायनों में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एक तो इस फिल्म ने ऐश्वर्या को बॉलीवुड में स्थापित कर दिया था, और दूसरी और अहम बात जो थी वो ये थी कि इसी फिल्म के दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। साल 1999 में ही ऐश्वर्या की एक और फिल्म आती है ताल, जो कि सुभाष घई की मूवी थी। इस फिल्म के बाद मीडिया में काफी बातें चलने लगी थी, और उसका कारण एक तो सुभाष घई और ऐश्वर्या की अतरंगी फोटोज मीडिया में आने लगे थे, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बातें भी फैलने लगी थी कि ऐश्वर्या ने फिल्म ताल के लिए सुभाष घई के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। लेकिन ये बातें जितनी तेजी से उठी उतनी ही तेजी से दब गई, क्योंकि इसका कारण था सलमान खान। ऐश्वर्या और सलमान खान की प्रेम कहानी के एक साल बाद ही इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की खबरें आने लगी थी। इसके बाद फाइनली 2002 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो जाता है। जितनी खबरों में इनकी प्रेम कहानी नहीं थी, उसे कहीं ज्यादा सुर्खियों में इन दोनों का ब्रेकअप रहा। दरअसल ऐश्वर्या ने उन दिनों मीडिया में बयान दिया था कि सलमान खान ने उन्हें फिजिकली, इमोशनली और मेंटली हैरेस किया है। उस समय ऐश्वर्या के चेहरे पर कई बार चोट के निशान भी देखे गए थे, और उसका कारण क्या था आप समझ सकते हैं। ऐश्वर्या ने सलमान खान को समझने में 4 साल का समय लिया और अंततः ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद ऐश्वर्या का चक्कर चलता है विवेक ओबेरॉय के साथ में। विवेक और ऐश्वर्या ने एक फिल्म की शूटिंग साथ में की,
लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐश्वर्या विवेक के साथ में भी सिर्फ 2 साल तक ही रहे, क्योंकि ऐश्वर्या के विवेक को छोड़ने की वजह भी सलमान खान थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवेक ओबेरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि सलमान खान आए दिन ऐश्वर्या और विवेक को जान से मारने की धमकी दिया करते हैं। इसके बाद अपनी जान बचाने के लिए अलग होना पड़ा। विवेक ओबेरॉय ने अपने बयान को सही साबित करने के लिए अपने फोन कॉल्स को रिकॉर्ड्स के रूप में दिखा दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का परिणाम ये हुआ कि हमेशा के लिए ऐश्वर्या ने विवेक से दूरियां बना ली, क्योंकि ऐश्वर्या ने विवेक के सामने शर्त रखी थी कि वो सलमान खान को लेकर कोई भी कॉन्स्पिरेंसी खड़ी नहीं करेगा। लेकिन विवेक जब सलमान के धमकियों से थक गए, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना ऐश्वर्या और अपने रिश्ते की परवाह किए सलमान खान की असलियत सामने ला दी। विवेक ऐश्वर्या की पास्ट को भूलकर उसके साथ आगे की जिंदगी जीने के सपने देख रहे थे। इसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आए रिएक्शन से विवेक पूरी तरह से टूट गए। एक तरफ से ऐश्वर्या ने भी उनका इस्तेमाल किया और उनसे रिश्ता तोड़ दिया, और दूसरी तरफ उनके करियर को खत्म करने के लिए सलमान उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया। उस समय विवेक एज एन एक्टर काफी तारीफें बटोर रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद अचानक से उन्हें फिल्मों के ऑफर्स आने बंद हो गए, क्योंकि सलमान खान ने अपने पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। सलमान खान से ब्रेकअप करने के बाद ऐश्वर्या भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई, उन्हें भी फिल्मों के ऑफर्स आने बंद हो गए। साल 2002 में सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हुआ और 2003 में ऐश्वर्या को कई सारे फिल्मों से निकाल दिया गया, जिसमें चलते चलते एक मूवी भी शामिल है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अपोजिट ऐश्वर्या को रिप्लेस करके रानी मुखर्जी को लिया गया। इसके बाद साल 2004 और 5 के बाद ऐश्वर्या और अभिषेक का अफेयर शुरू हुआ, जो कि साल 2007 में डिस्क्लोज भी कर दिया गया, क्योंकि साल 2007 में ही दोनों ने शादी भी कर ली। ऐश्वर्या राय अपने जीवन में इतनी फिल्में नहीं की हैं जितने इनके जीवन में कॉन्ट्रोवर्सीज रही है और आज भी है। साल 2005 में ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते के बारे में किसी को नहीं पता था, तभी अमिताभ के साथ ऐश्वर्या ने एक गाना किया था कजरारे, जी हाँ, जिसमें अभिषेक बच्चन भी साथ में थे, यानी दोनों बाप बेटे, और उन दोनों के बीच में थी ऐश्वर्या राय। इस दौरान ये अफवाहें भी काफी जोरों शोरों पर थी कि ऐश्वर्या के लिए अमिताभ ने पूरा एक फ्लोर बुक करवा दिया है। अभिषेक और रानी जो कि इस फिल्म में लीड रोल में थे, और ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन को किसी दूसरे होटल में ठहराए गए थे। पूरे फ्लोर को बुक कराने के पीछे की क्या सच्चाई, इसके बारे में काफी मीडिया में चर्चा हुई थी। खैर, वैसे ऐश्वर्या का बड़े घर की बहू बनना भी कोई इत्तेफाक नहीं है। दरअसल विवेक से ब्रेकअप के बाद और सलमान खान के कारण ऐश्वर्या का करियर पूरी तरह बर्बाद के कगार पर पहुंच गया था। उन्हें किसी बड़े कलाकार का साथ चाहिए था ऊपर उठने के लिए, और उसके लिए ऐश्वर्या राय अपना नाम किसी बड़े घराने से जोड़ना चाहती थी, ताकि अपना जो भविष्य है उसको वो सिक्योर कर सके। साल 2007 में अभिषेक से शादी कर ली और अभिषेक समेत पूरे घर को अपने कंट्रोल में करने लग गए। अभिषेक जब भी कोई मूवी या फिर वेब सीरीज में काम करते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा क्लॉज होता था जिसमें यह मेंशन होता था कि ऑन स्क्रीन वो किसी भी हीरोइन के साथ किसी भी प्रकार के इंटीमेट सीन नहीं देंगे, और ये जो क्लॉज है इसे ऐश्वर्या ने अपनी शादी के बाद कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करवाया है। इस कारण भी अभिषेक बच्चन को बहुत से डायरेक्टर्स अपनी फिल्म में कास्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऐश्वर्या की फिल्मी करियर की बात की जाए तो ऐश्वर्या ने धूम 2 में जमकर ऋतिक रोशन के साथ किसिंग सीन्स दिए थे, जबकि वो धूम 2 के दौरान अभिषेक बच्चन के साथ में रिलेशन में थी, क्योंकि ये फिल्म साल 2006 में आई थी। धूम 2 ऋतिक रोशन के साथ में किसिंग सीन्स को लेकर भी काफी ज्यादा बवंडर खड़ा हुआ था, और वो बवंडर खड़ा करने वाली थी अभिषेक बच्चन की फैमिली, क्योंकि उन्होंने ऐश्वर्या के सीन पर काफी आपत्ति जताई थी। ये भी कहा जाता है कि अभिषेक की फैमिली ने इस सीन को हटवाने के लिए यशराज बैनर से संपर्क भी किया था। ऐसा ही बवंडर हुआ था ए दिल है मुश्किल के दौरान। ऐश्वर्या ने अपने 10 साल छोटे रणबीर कपूर के साथ इंटीमेट सीन्स दिए थे, वो भी एक 7 साल की बच्ची के होते हुए। इस सीन्स को लेकर भी बच्चन परिवार काफी तांडव किया था और ऐश्वर्या की आलोचना भी की गई थी। लेकिन बताया जाता है कि इस सीन्स के दौरान खुद ऐश्वर्या ने अपनी रजामंदी दी थी कि वो फिर से फिल्मों में वापस आना चाहती हैं और हर तरह के रोल करना चाहती हैं, फिर चाहे उसके साथ असलियत में ही क्यों ना हो रहा हो। लेकिन जिस फिल्म में वो काम करेंगे वो हर हाल में वो फिल्म हिट होनी चाहिए, क्योंकि बाकी साथ के अभिनेत्रियों को देखकर ऐश्वर्या, जो शादी के बाद बॉलीवुड की दुनिया से गायब हो चुकी थी, अब खुद को लीड रोल में जमाना चाहती थी। इसके लिए वो ताल मूवी की तरह कुछ भी करने को तैयार थी। रणबीर कपूर के साथ में जिस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन ने सीन्स दिए थे वो भी अभिषेक बच्चन को बिना बताए।
उस समय बच्चन परिवार में काफी तहलका मच गया था। उस समय मीडिया में खबरें चली थी कि अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय से तलाक लेने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे जो मामला था पूरी तरह से शांत हो गया। वैसे दोस्तों, ऐ दिल है मुश्किल फिल्म के दौरान बच्चन परिवार ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके करण जौहर से इस सीन्स को हटवाने के लिए कहा था, लेकिन करण जौहर ने यह बात ऐश्वर्या को बता दी, जिसके बाद ऐश्वर्या ने बच्चन परिवार को काफी लताड़ा था। इधर ऐश्वर्या के समर्थन से करण जौहर ने फिल्म के इंटीमेट सीन्स को किसी भी हाल में डिलीट नहीं किया। वैसे दोस्तों, इस करण जौहर के द्वारा सीन्स डिलीट करने का कोई मतलब बनता भी नहीं था, क्योंकि सारे सीन्स ऐश्वर्या ने अपनी मर्जी से दिए थे, और वो भी खुद कहकर। इस फिल्म के बाद ऐश्वर्या राय को ना तो कोई फिल्म और ना ही कोई एड ऑफर की गई है। सिर्फ फनी खान में अनिल कपूर और राजकुमार राव के साथ थोड़ी देर के लिए नजर आई थी। इन सब के पीछे भी बच्चन परिवार का हाथ बताया जाता है कि हिट फिल्म देने के बाद भी इसे किसी ने कोई फिल्म ऑफर नहीं की। इसके अलावा 2009 में ऐश्वर्या राय को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। अब यह अवार्ड इन्हें क्यों दिया गया था, ये तो उस समय की सरकार ही जाने। वैसे दोस्तों, पद्मश्री अवार्ड कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए ही दिया जाता है, लेकिन ऐश्वर्या ने एक्टिंग के मामले में एक्टिंग फील्ड में ऐसे कौन से झंडे गाड़े हैं। खैर, आपको क्या कहना है इसके बारे में, आप जरूर बताइएगा।